हेलो दोस्तों, आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। आई होप दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों LPN टेक्नीशियन के दोस्तों फॉर्म फिल हो गए हैं। अब दोस्तों एग्ज़ाम डेट की वेट है। दोस्तों एग्ज़ाम डेट आने से पहले ही आपको प्रिपरेशन जारी रखना है। तो दोस्तों आई होप आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प करने के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों LPN टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपको साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिर LP में भी आपको साइंस से आएगा और आपको टेक्नीशियन में दोस्तों साइंस से आएगा क्वेश्चन। तो आज हम दोस्तों फिजिक्स के एक चैप्टर देखने वाले हैं मेजरमेंट के लेके। आपको डेली 5 PM में आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज मेजरमेंट देखेंगे, कल मोशन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हर एक डेली हम एक एक चैप्टर देखेंगे, 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आज हो सकता है कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, फिर भी आपको ये 12 से दोस्तों 15 मिनट के लिए ये वीडियो रहेगा। उससे ज़्यादा दोस्तों वीडियो नहीं जाएगा लॉन्ग, इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो आपको दोस्तों ये वीडियो लोड लगने लगेगा। इस वजह से हम 12 से 15 मिनट में आपका 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मेजरमेंट का आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कौन से आपका जो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो कि डिफरेंट है सबसे। तो दोस्तों मास, यहाँ पर ऑप्शन देखोगे मास है, लेंथ है और यहाँ पर टाइम एंड डेंसिटी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बेसिक क्वांटिटी आपके यहाँ पर तीन है, मास है, लेंथ है और टाइम है। पर डेंसिटी आप दोस्तों देखोगे ये ड्राइव यहाँ पर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। यहाँ पर लिखा है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ द। तो दोस्तों आप देख सकते हो लाइट ईयर जो आपका यूनिट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जो ऑप्शन ए है टाइम है, डिस्टेंस है बी ऑप्शन, और ऑप्शन सी है जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पर देखोगे डी जो ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। दोस्तों लाइट ईयर जो होता है इसका वैल्यू भी होता है, तो आपको वैल्यू भी हम देखने वाले हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर देखोगे लाइट ईयर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये मेजरमेंट करता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करता है, जो कि सन एंड दोस्तों अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मेजर करता है। ये लाइट ईयर है दोस्तों, इसका डिस्टेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ पर देखोगे एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट यूज टू द एक्सप्रेस। यहाँ पर दोस्तों देखोगे एंगस्ट्रॉम जो है इसका जो यूनिट एक्सप्रेस होता है किस लिए होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी दोस्तों डिस्टेंस के लिए मेजर करने के लिए होता है, ये वेवलेंथ मेजर करता है लाइट के वेवलेंथ को मेजर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा है फोर नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर इज इक्वल टू द। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपको 1 मीटर में कितने माइक्रो यहाँ पर देखोगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएंगे बी नंबर, 10^6 होते हैं माइक्रो। अब दोस्तों देख सकते हो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको मिल जाएगा देखने के लिए 1 यहाँ पर फेरमी इज इक्वल टू द। दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये सब वैल्यू भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट ही ऐसी क्वेश्चन आपको आ जाए LP एंड टेक्नीशियन के लिए। LP और टेक्नीशियन में दोस्तों आपको फिजिक्स भी आएगा, तो आपके ये स्कोर उठाने के लिए दोस्तों फिजिक्स का ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर हो जाएगा, इसमें कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। तो आप ऐसे आंसर को भी याद कर सकते हो, आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर लिखा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूजुअली द एक्सप्रेस। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर वेवलेंथ आपको की जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए डी नंबर जो है एंगस्ट्रॉम जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा है और इसको के नीचे ऊपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए यहाँ पर एंगस्ट्रॉम ने यहाँ पर जो लेंथ मेजर करता है यहाँ पर वही वेवलेंथ मेजर करता है लाइट के लिए। तो यहाँ पर भी आपको जाएगा देखने के लिए द वेवलेंथ और यहाँ पर ऑफ लाइट इज यूजुअली द एक्सप्रेस, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते देखते हैं, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एम, यहाँ पर L2, यहाँ पर T, यहाँ पर इनवर्स है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर इसका जो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, ये दोस्तों आपका है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, 1U यहाँ पर देखोगे इज इक्वल टू द, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 1.5 × 10^11 मीटर हो जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमने बोला यहाँ पर वर्ट लाइन ईयर के भी वैल्यू होते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इसका आंसर आप बताओ मुझे कॉमेंट में। आप यहाँ दोस्तों देखोगे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना।
आना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लेके हैं, फिर हम कमेंट में आपको रिप्लाई दे देंगे। आप दोस्तों करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के लेके, यहाँ पर देखोगे 1 पार्षक इज इक्वल टू द, तो दोस्तों इसका भी वैल्यू आपको याद कर लेना है, ऐसी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3.1 × 10^16 यहाँ पर 16 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके। आप यहाँ देखोगे इसको करके नीचे की हो जाओगे, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है वायर वेन द हीटेड, सो यहाँ पर देखो 2% इंक्रीज द रेडियस, अगर वायर के रेडियस 2% इंक्रीज हो जाते हैं तो इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोस्तों वायर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर 4% आपको यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया, 4% इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, यहाँ पर इसको करके नीचे की ओर जाओगे, यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 पार्षक इज इक्वल टू द, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 3.26 यहाँ पर देखो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पार्षक के यहाँ पर यूनिट होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन के लेके, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा द सिंबल यूज फॉर द एंगस्ट्रॉम इज, तो दोस्तों ये भी है यूनिट जो आपको होता है, जो सिंबल यूज होता है एंगस्ट्रॉम के लिए। दोस्तों एंगस्ट्रॉम जो होता है वो मेजर करता है लाइट के वेवलेंथ को मेजर करता है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप दोस्तों देख सकते हो ए में भी और सी में भी, यहाँ पर सी में जो डिफरेंट, यहाँ पर ए के ऊपर जस्ट यहाँ पर जो स्मॉल सर्कल है तो इसका सिंपल यही है एंगस्ट्रॉम का जो सिंपल है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके, यहाँ पर और इसको नीचे के जाओगे दोस्तों, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के लेके, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन एम्पियर यहाँ पर मीटर इज, यहाँ पर देखोगे द एस आई यूनिट ऑफ द, तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखोगे एम्पियर सिर्फ जो है यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर ये करंट के जो मेजर करने के लिए होता है दोस्तों एम्पियर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पियर पर मीटर, यहाँ पर दोस्तों देखोगे यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एस आई यूनिट जो होता है एम्पियर पर मीटर जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके, अब यहाँ देखोगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें से कौन से जो लार्जेस्ट यूनिट होता है, तो दोस्तों इन चार यहाँ पर जो दिया गया है लाइट ईयर, यहाँ पर एंगस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ पर यूनिट और यहाँ पर पार्षिक है, तो दोस्तों इन तीनों का वैल्यू भी आपको याद कर लेना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इसका दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पर 3 नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पर लिखा है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द, आपको यहाँ पर यूज याद करना है इस वैल्यू को भी दोस्तों आपको याद कर लेना है। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर लिखा है 6.3 × 10^4 यहाँ पर ए दोस्तों देखोगे ये इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखोगे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, अब दोस्तों यहाँ देखो हमने यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो अर्थ और सन के जो डिस्टेंस को जो मेजर करता है उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा यूनिट होता है। आप यहाँ दोस्तों देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल है, यहाँ पर लाइट ईयर है, जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर लाइट ईयर जो हो जाएगा यहाँ पर देख लो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर, जो अर्थ एंड सन की जो डिस्टेंस को मेजर करता है वो लाइट ईयर है, इसका वैल्यू भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके, आप यहाँ देखोगे यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ द सबस्टांस इन द एसआई, यहाँ पर देखोगे सिस्टम ऑफ द यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट बाय द, अब दोस्तों अमाउंट जो ऑफ द सबस्टांस का जो यूनिट होता है यहाँ पर देखोगे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा ए एंड बी एंड सी एंड डी आपको मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका मोल हो जाएगा दोस्तों, सबस्टांस जो होता है वो मोल के। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर लिखा है एसआई यूनिट यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर के दोस्तों एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर 1 है जो केल्विन है, यहाँ पर सेकेंड है जो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोल है, यहाँ पर कैंडेल है, तो दोस्तों केल्विन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टेम्परेचर का दोस्तों, एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है दोस्तों, और यहाँ पर सेकेंड जो होता है ये टाइम का होता है, और यहाँ पर देखोगे मोल जो होता है वो हमने अभी देखा सबस्टांस का होता है, और कैंडेला जो होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है दोस्तों यहाँ पर कैंडेला। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन के लेके, यहाँ पर लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ द प्लैंक यहाँ पर कॉन्स्टेंट, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है द नेशनल फिजिकल, यहाँ पर लिखोगे 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द नेशनल यहाँ पर
फिजिकल लेबोरेटरी इज द सिचुएटेड एट द, तो दोस्तों ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो है कि इसका जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है एस आई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करेंट के, तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करेंट के एस आई यूनिट क्या होता है, हमने दोस्तों इससे पहले भी देखा है, यहाँ पर कैंडला जो होता है, यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, मोल जो होता है, कंपाउंड का होता है दोस्तों, सबस्टांस का होता है, और यहाँ पर नॉन ऑफ दिस लिखा हुआ है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक करेंट का जो होता है यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर डायमेंशनल, यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर सेम एज द डेट ऑफ द, यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ए नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर देखोगे इंडिया एडॉप्ट द मैट्रिक्स यहाँ पर सिस्टम ऑफ द यूनिट इन, आप दोस्तों देख सकते हो ये किस सन में हुआ था, इसका आप करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 1956 में, यानी 1956 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, एस आई यूनिट वेयर द इंट्रोड्यूस इन, एस आई यूनिट जो होता है इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पर आपको यहाँ पर इश्यू मिल गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1960 ईस्वी में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो तो अच्छी लगी, और आप मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपका कितना सही है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, थैंक यू सो मच।